Click on the bell icon to watch our latest videos. तो अब मैं बनाने जा रही हूँ रेनुका की मदद से श्रीखंड। घर में आपने तैयार किया? Yes, बिल्कुल। दही को बांध के रखो आप रात भर। हाँ। उसका सारा पानी निकल जाता है। ये जो मलमल का कपड़ा है हम बर्तन पे बांधते हैं। ओके। और चीनी, चीनी एक साथ मिक्स करते जाते हैं उस मलमल के कपड़े से वो निकलता है। okay. एकदम स्मूथ उसकी कंसिस्टेंसी। बताइए क्या करूँ इस लटके हुए दही का? वो बोल में डाल के उसमें पिसी हुई चीनी उतनी ही लेनी है प्रोपोर्शन में। अच्छा, अब इसमें ये इलायची पाउडर और केसर डाल दूँ ना? केसर अगर तुम गुनगुने दूध में थोड़ा सा मिक्स करके डालोगी ना। अच्छा। तो उसका रंग भी खिलेगा और अच्छे से मिक्स भी होगा। और हिलाओ थोड़ा तो पता चलेगा। मिक्स करूँ? हाँ अभी कर लो। और ये भी डाल देते हैं। मुझे तो ना इसका टेस्ट ऑलरेडी आने लगा है। इसको एक बार अच्छे से और चला देते हैं। कितनी अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी है। थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियाँ क्रश करके डाल देती हूँ। मैंने एक बार श्रीखंड खाया था ना तो उसमें अनार के दाने पड़े हुए थे। ओह इंटरेस्टिंग। मैं सोच रही हूँ कि हाँ क्यों नहीं। खंड का आनंद। अप्रतिम। Really? Wow. मैं इसे अलग नहीं खाने वाली हूँ, मैं आपकी बोल में से खाने वाली हूँ। Very nice. जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ, अवेलेबल अक्रॉस ऑल डिवाइसेस।